मैं सचिन खतावी आज आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का वीडियो है पल्सर 220 एफ BS6 बाइक के ऊपर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। कहीं जैसा कि आपको पता है आज की वीडियो बजाज पल्सर 220 एफ पे होने वाली है, और ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए मेरे सब्सक्राइबर्स के कि भाई फिर से वीडियो बनाओ, इस पर ब्रीफली में बनाना, ये लॉन्चिंग डेट कब है और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसकी लॉन्चिंग डेट फरवरी लास्ट में है और मार्च स्टार्टिंग में है। तो जो बाइक अभी BS4 है तो उससे थोड़ी कॉस्टली बाइक होगी, और जो जो चेंजेस मैं बताने वाला हूँ उससे थोड़े ऊपर ही मिल सकते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, अगर आप मिस कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसके फीचर्स में। तो ABS सिंगल चैनल मिल सकता है, बॉडी टाइप तो आप जानते ही, स्पोर्ट्स है ये, बॉडी ग्राफिक्स मिलेगी, सीट टाइप स्प्लिट मिल सकती है, स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग ओनली मिलेगी, पास स्विच इसके अंदर अवेलेबल होगा, स्पीडोमीटर डिजिटल होगा क्योंकि ये BS6 है तो ऑलमोस्ट डिजिटल होना चाहिए, टैकोमीटर भी इसके अंदर डिजिटल मिल सकता है, ट्रिप मीटर डिजिटल होगा इसके अंदर, लो फ्यूल वार्निंग लैंप मिलेगा इसके अंदर, क्लॉक की फैसिलिटीज दी जाएगी, लो बैटरी इंडिकेटर मिलेगा, सीट अप स्टेप अप सीट मिलेगी लो ऑयल इंडिकेटर के साथ, प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगी, कूलिंग सिस्टम एयर कूल मिलेगा ऑयल कूल मिल सकता है, कंसोल एनालॉग और डिजिटल दोनों में ही आने वाला है। तो ऑडोमीटर डिजिटल होने वाला है, अभी मोबाइल कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज़ नहीं है, हो सकता है आ जाए इसके अंदर, कुछ कंफर्म नहीं है। बात करते हैं इंजन की, तो इंजन में ये इंजन डिस्प्लेसमेंट 220 सीसी का होने वाला है और BS6 इंजन होने वाला है इसके अंदर, फोर स्टॉक एंड टू इंजन टाइप होने वाला है, फोर स्टॉक एंड टू बल्ब ट्विन स्पार्क BS6 कॉम्प्लीमेंट DTS इंजन ऑयल कूल्ड के साथ, ड्राइव टाइप चेन होने वाली है, नंबर सिलेंडर एक मिलने वाला है इसके अंदर, बल्ब पर सिलेंडर दो मिलेंगे इसके अंदर, फ्यूल टाइप पेट्रोल होगा, इग्निशन डिजिटल मिलेगा। और बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन टाइप मैनुअल मिलने वाला है इसके अंदर। और नंबर ऑफ गियर की बात करते हैं तो पहले 5 आते थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि 4 आएंगे, वो सॉरी 6 आने वाले हैं, 6 गियर्स मिल जाएंगे इस बार। अब बात करते हैं ब्रेक्स की, तो इसका फ्रंट और रेयर दोनों ही डिस्क मिलने वाले हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी की, तो माइलेज इसका 40 किलोमीटर पर लीटर के अप्रॉक्स में मिलेगा। अब चेसिस और सस्पेंशन की बात करते हैं, तो सस्पेंशन इसमें फ्रंट का टेलीस्कोप विद एंटी फ्रिक्शन बुश के साथ मिल सकता है, और सस्पेंशन रेयर 5-way एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स शॉक अब्जॉर्बेबल मिल सकता है। टायर एंड व्हील्स की बात करते हैं, तो व्हील साइज मुझे लग रहा है 90x90 का ही होगा फ्रंट इसके अंदर, रेयर होगा इसके 120x80 का। अब व्हील साइज 17 इंची मिलने वाला है फ्रंट और रेयर मेरे अकॉर्डिंग। तो राइडल टायर इसके अंदर अवेलेबल होंगे, टायर टाइप ट्यूबलेस होगा, व्हील टाइप अलॉय में मिल सकता है ना। अब बात करते हैं डायमेंशन की, तो व्हील बेस आपको इसके अंदर मिलेगा 1350 mm का लेंथ, 2035 mm हाइट, 1165 mm ग्राउंडेड क्लियरेंस, 165 mm विड्थ, 1750 mm सीट हाइट, 775 mm की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की होने वाली है, लेकिन इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। टेल लाइट LED मिलेगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल बैटरी टाइप फुल DC मिलेगी, LED टेल लाइट इसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, टर्न ऑन सिंगल लैंप डिजिटल LED या बल्ब में मिल सकता है, स्टैंडर्ड वारंटी 30,000 किलोमीटर मिलने वाली है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि एडिशनल चेंजेस क्या क्या है इसके अंदर। जैसे मैं बता चुका हूँ कि 220 BS6 इंजन होने वाला है, FIU मिल सकता है, माइलेज इंक्रीज होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी,
पावर ऑफ टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, एलईडी लाइट मिल सकती है, कैटेलिक कन्वर्टर मिलेगा, न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स के साथ देखी जाएगी ये बाइक, फ्रंट लुक चेंज हो सकता है, राइडल टायर मिलेंगे, न्यू मीटर कंसोल मिलने वाला है, और मैं बता चुका हूँ 6 गियर इंडिकेटर मिलेगा जब ये BS6 में लॉन्च होगी, तो प्राइस बढ़ सकता है। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर LED मिलेगा, ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी, छोटे मोटे फीचर्स ऐड होंगे इसके अंदर, शेप कलर्स चेंजेस हो सकती है इसके अंदर, वैसे सब कुछ सेम ही मिलेगा, लेकिन FI मिल रहा है तो प्राइस इंक्रीज होगा, बॉडी डीजल अलग हो सकता है। अभी तक प्राइस इसका था 1,08,000 रुपये का, BS6 के बाद 1,20,000 हो सकता है, जो कि मैं कम से कम प्राइस बता रहा हूँ, इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो 1,80,000 के ऊपर नहीं जाने वाला, इसी की रेंज में मिल जाएगा आपको, और ये जल्दी ही आपको शोरूम के अंदर देखने को मिलेगी। तो कुछ भाई बोलते हैं कि भाई आप तो BS4 बाइक दिखा रहे हो, BS6 के बारे में बता रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपनी किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि BS6 बाइक इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है, मैंने बस ये बताया कि आप जब ये लॉन्च होगी तो आपको क्या क्या मिल सकता है इस बाइक के अंदर देखने के लिए। भाई आप वीडियो देख चुके हो, वीडियो काफ़ी अच्छा था, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस बना दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।